वेलकम टू किचन विद मेहनाज आबिद। आज हम बनाने जा रहे हैं लॉलीपॉप टैटो स्नैक्स। इसके लिए मैंने जो चीजें ली हैं वो इस तरह है। चार अदद मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। एक अदद प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं जिसका मैंने चूरा बना लिया है। धनिया पाउडर हाफ स्पून, ये थोड़ा सा हरा धनिया, तीन से चार हरी मिर्चें, रेड चिली हाफ स्पून, ये दो स्पून मैंने मैदा लिया है, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, जीरा हाफ स्पून, अमचूर पाउडर हाफ स्पून, ब्लैक नमक मैंने लिया है हाफ स्पून। सबसे पहले हम पोटैटो लेंगे, इसको अच्छे तरीके से मैश करना है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, ब्रेड क्रम्स, धनिया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली, काला नमक, ग्रीन चिली, जीरा, इन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हम हाथ को वॉश करके इनको हाथ से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने ये मिक्स कर दिया है। अब हम इसके लॉलीपॉप बनाएंगे। हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हथेली पर इस तरीके से। अब हम इसके लॉलीपॉप बनाएंगे, हम बहुत बड़े नहीं बनाएंगे। इस तरीके से तरीके से हम सारे बना लेंगे। इसी तरीके से ये मैंने सारी बना ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम ये पेस्ट बनाएंगे, पानी डालेंगे। इस तरीके इसके अंदर डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरीके से हम ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे, इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा हम उतार लेंगे, इस तरीके से ये देखें। इस तरीके से हमें इसको एक्स्ट्रा झाड़ देंगे। इसी तरीके से हम ये सारे बना लेंगे। इसी तरीके से ये मैंने सारे बना लिए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें लॉलीपॉप डालेंगे।
फोक की मदद से हम इनको टर्न करेंगे इस तरीके से, साइड चेंज करते जाएंगे इस तरीके से। आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। ये हल्के गोल्डन होने पर हम इनको निकाल लेंगे, इनको हम सर्व प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छे से हो गए। बहुत अच्छे से ये हमारे लॉलीपॉप तैयार हो गए। अब टोपे हम इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही जबरदस्त हमारे पोटैटो लॉलीपॉप तैयार होंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिले सबसे पहले। और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। अल्लाह हाफिज़।